हाय स्टूडेंट्स, आज जैसा कि लगातार हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर्स, तो उसी कंटिन्यूएशन में सॉलिड चैप्टर की बच्चों की डिमांड आ रही कि सर सॉलिड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो पहला चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास का, जिसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में मैंने कुछ चीज़ें लास्ट ईयर डिस्कस की थी जो ऑलरेडी इस चैनल पर पढ़ी हुई हैं, इक्विलिब्रियम क्लासेस पे पढ़ी हुई हैं, तो उनको आप देखिएगा। लेकिन कुछ टॉपिक हैं जो नहीं हैं, वो मैं आपके सामने आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि सॉलिड होते क्या हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको वाइड दूंगा और पैकिंग एफिशिएंसी दूंगा, फिर मैं आपको कैलकुलेशन डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। तो आज हम शुरुआत कर लेते हैं सॉलिड के इंट्रोडक्शन से। तो हम यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड होते क्या है? सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच एटम्स पार्टिकल, एटम्स मीन्स मॉलिक्यूल्स, आयंस एटम्स, पार्टिकल्स ओवरऑल पार्टिकल बोल सकते हैं। तो सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सच अ वे दैट दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यानी कि सॉलिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज हो जाए कि वो उनका वॉल्यूम भी फिक्स हो जाए और उनका शेप भी फिक्स हो जाए। यानी मिनिमम ऐसे अरेंज होना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे गेन द स्टेबिलिटी। इस तरीके से अरेंज हो कि उनकी स्टेबिलिटी मिल जाए, उनके बीच में फ्री स्पेसेस मिनिमम, दे लीव मिनिमम फ्री स्पेस छोड़ना चाहिए। क्लोजली पैक्ड इसी को ही बोलते हैं कि जब मिनिमम फ्री स्पेस छूटे और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए, उसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग टेंडेंसी। अब ये सॉलिड्स का जो एक क्राइटेरिया, कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ाई जाती हैं सॉलिड्स की क्या होती हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ। जैसे कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, द इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस आर वेरी स्मॉल और यू कैन से नेगलिजिबल इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस आर देयर, और सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। सॉलिड्स मतलब अगर आप सोचें कि पुश कर दें, उनको दबा दें, तो ये पॉसिबिलिटी सॉलिड्स में नहीं होती है, है ना। और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की नेगलिजिबल, वो अपने सेंटर पर ही वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये माने कि आप उनके अंदर कोई मोशन होगा, कोई मूवमेंट होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं, वाइब्रेट नहीं करते पार्टिकल सॉलिड के। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट मूव विदाउट एनी फोर्स, यानी अगर उन पर फोर्स ना अप्लाई करें तो मूव भी नहीं करेंगे वो। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की। इंटर मेन चीज़ है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वेरी वीक और यू कैन से वेरी लेस नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेसिस, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। तो सॉलिड्स को हम डिवाइड करते हैं, अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सॉलिड्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। पहला पार्ट हमने रखा, एक का नाम दिया हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे को नाम दिया हमने एमॉर्फस सॉलिड। अब जरा इनको आप दोनों को सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्चुअल में इन्हें ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए प्रॉपर मैनर, यानी जितने भी पार्टिकल, चाहे एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, वो सब प्रॉपर मैनर में, दे हैव रेगुलर पैटर्न, इनके अंदर रेगुलर पैटर्न होते हैं सॉलिड के अंदर, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं, ट्रू सॉलिड इसीलिए बोले जाते हैं। इनकी खास बात कुछ और भी हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, मीन्स अगर ये 110 पे मेल्ट कर रहे हैं तो 110 पे ही मेल्ट करें, दिस इज द मीनिंग ऑफ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि NaCl इज कंसीडर्ड अंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड, CaCl, ZnS, AgBr, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही कंसीडर किए जाते हैं। ये जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये सब एनआइसोट्रॉपी शो करते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इनका क्लीवेज अगर इन्हें तोड़े तो एकदम जो कटिंग आती है वो बहुत शार्प, यानी बिल्कुल क्लियर क्लीवेज इनका प्रॉपर होता है, इनका प्रॉपर नहीं होता। तो अब मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको बता दिया है।
एमॉर्फस सॉलिड की बात कर लेते हैं, तो एमॉर्फस सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ए प्रॉपर यानी रेगुलर मैनर में नहीं होते, दे आर इन इररेगुलर मैनर, ये इररेगुलर मैनर में होते हैं, इन्हें स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है, झूठे सॉलिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रबर है, प्लास्टिक है, ये सब ग्लास है, ये सब कंसिडर किए जाते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात इंडिकेट कर दूँ कि जो ग्लास होता है यानी कि क्वार्ट्स इज द क्वार्ट्स इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्वार्ट्स इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज द फॉर्म ऑफ SiO2, ये SiO2 की फॉर्म होती है, लेकिन जब क्वार्ट्स पत्थर बनता है तो उसमें क्या होता है SiO4 यानी कि चारों तरफ ओ लगे होते हैं, इस तरीके से टेट्राहेड्रल मैनर में लगे होते हैं, SiO4 की यूनिट होती है, ईच ऑक्सीजन एटम इज कनेक्टेड विद, अब अगर हर ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये ऑक्सीजन सिलिकॉन से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कितने सिलिकॉन से कनेक्ट होगा फिर ये, अब ये इस तरीके से SiO से कनेक्ट हो गया, तो अगर आप देखेंगे तो हर सिलिकॉन इस तरीके से कनेक्शन देगा, अब हर ऑक्सीजन कितने से कनेक्ट हो जाएगा फिर एक सिलिकॉन से, ऐसे करके कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। तो अगर बात हम ये कहें कि जो ग्लास है यानी अगर क्वार्ट्स को पिघलाया जाए, मेल्ट किया जाए, तो वो फिर ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अगर उसे हमने जैसे क्या काम किया, पहले पिघलाया, पिघलाने के बाद उसे ठंडा, एकदम से ठंडा कर दिया, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लास, यानी एमॉर्फस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एमॉर्फस सॉलिड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग देन फॉलोड बाई कूलिंग, अगर पहले स्ट्रॉन्ग हीट कर दें फिर कूल कर दें तो एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूं कि व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों माना जाता है, बिकॉज इट इज एमॉर्फस सॉलिड, इट हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो डाउनवर्ड्स लाइक अ लिक्विड, लिक्विड की तरह टेंडेंसी रखता है नीचे की तरफ फ्लो करने, और इसके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो इररेगुलर होता है, दैट्स व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह कंसीडर किया जाता है ये। अब आपको मैं यहां पर एक चीज और बता दूं, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, क्वेश्चन से मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपसे, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी अगर आप विंडो देखें उस पर जो ग्लास लगा होता है कि वाई विंडो पेन्स बिकम थिक एट द बॉटम इन ओल्ड बिल्डिंग्स, तो ओल्ड बिल्डिंग में ग्लास क्या होता है, लंबा टाइम जब बीतता है तो धीरे धीरे ग्लास इज ए एमॉर्फस सॉलिड, इट इज ए स्यूडो सॉलिड, इट हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्लो करता रहता है, उसके पार्टिकल फ्लो करते रहते, तो एक टाइम ऐसा आता है कि नीचे की तरफ थिकनेस बढ़ जाती है, ये है। और कुछ कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका जो विंडो ग्लास होता है वो थोड़े दिन में जो है वो थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट होना शुरू हो जाता है, कि मिल्कीनेस आना शुरू हो जाती है, क्यों हो जाती, ये भी सेम कंडीशन है कि उसके अंदर ये टेंडेंसी यानी कि लगातार सन के कॉन्टैक्ट में आने से दिन में गर्म रहता है रात में ठंडा, तो ये जो एनीलिंग जैसा प्रोसेस होने लगता है उसकी वजह से उसके अंदर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो एमॉर्फस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, इसी वजह से वो आपको मिल्की दिखाई देने लगता है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन वाले। यहीं पर एक टर्म मैंने अभी बीच में बोला था, ये एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं, ये आइसोट्रॉपी शो करते हैं, तो मैं यहीं पर टर्म एन आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी भी डिस्कस कर लेता हूं, आइसोट्रॉपी भी डिस्कस कर लेता हूं। क्या होता है, मैंने एक डायग्राम यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक डायग्राम से ये मैंने एक डायग्राम बनाया इस तरीके से, ये डायग्राम है, ये डायग्राम बनाया। अगर हम यहां पर एक लाइन यूं डाल दें ये वाली, और एक लाइन ऐसी डाल दें ये वाली, तो आप देख रहे हैं कि ये यहां पर सिमेट्री चल रही है, रेगुलरिटी चल रही है, यानी कि यहां पर आपको देखना ये आइसोट्रॉपी यानी आइसोट्रॉपी लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है, ये एन आइसोट्रॉपी रिप्रेजेंट कर रही है, एन आइसोट्रॉपी, और ये कर रही है आइसोट्रॉपी की लाइन को रिप्रेजेंटेशन दे रही है। अब आखिरकार ये कहना क्या चाहती है, ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है, एन आइसोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी होती है जो डायरेक्शन लाइक द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेजिस्टेंस हुज वैल्यू चेंज विद चेंज इन डायरेक्शन, जिनकी वैल्यू डायरेक्शन बदलने के साथ बदल जाए वो कहलाती है एन आइसोट्रॉपी, और जिनकी डायरेक्शन बदलने के साथ न बदले वो कहलाती है आइसोट्रॉपी, यानी कि डायरेक्शन बदलने के साथ प्रॉपर्टी सेम रहे तो वो क्या कहलाएगी, आइसोट्रॉपी कहलाएगी। तो यहां पर मैंने पार्टिकल्स यानी कि अगर आप देखेंगे एन आइसोट्रॉपी में तो पार्टिकल्स सब प्रॉपरली अरेंज होंगे, हर तरीके से प्रॉपरली अरेंज होंगे, और
यहाँ पर आइसोट्रॉपी में जब आप जाएंगे एनआइसोट्रॉपी की बात के बाद आइसोट्रॉपी में जाएंगे तो एमॉर्फस, और एमॉर्फस में हर तरफ जो पार्टिकल्स हैं उनका इररेगुलर पैटर्न है, इसलिए डायरेक्शन बदलने के साथ कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो ये एनआइसोट्रॉपी शो करते हैं और ये आइसोट्रॉपी शो करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। एक क्लासिफिकेशन और दिया गया सॉलिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो भी मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ इस वीडियो में। यानी कि हमने सॉलिड्स को डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉलिकुलर सॉलिड्स की, कितने टाइप के हुए मॉलिकुलर सॉलिड कहलाते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड में भी दो हैं, एक कहलाता है नॉन पोलर और दूसरा कहलाता है पोलर। यहाँ पर आ जाइए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड्स होते हैं, फिर कहलाते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स कहलाते हैं, और फिर कहलाते हैं आपके मेटैलिक सॉलिड। तो यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड मॉलिकुलर सॉलिड, फिर आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटैलिक सॉलिड। अब आपसे एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मॉलिकुलर सॉलिड्स की। मॉलिकुलर सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां पर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होंगे। अगर वो नॉन पोलर है, मेरी बात को ध्यान सुने, अगर वो नॉन पोलर है तो इसका मतलब है कि इनके अंदर डिस्पर्जन फोर्स, वीक वैंडरवॉल फोर्स लगता होगा, और अगर वो पोलर है तो इसका मतलब है इसके अंदर कौन सा फोर्स लगता होगा, डाइपोल इंटरेक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अप्लाई होती होगी। तो इसके अंदर जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है, CCl4 का मॉलिक्यूल है, यहां पर अमोनिया का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल, मेरे हाथ को देखें, अमोनिया का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पोलर ही कंडीशन होगी। तो कुछ किताबों ने तीन पार्ट कर दिए, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो पोलर में ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने तो फिलहाल दो ही पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर में CCl4 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है, इस तरीके से है ना, और बहुत सारे P4 मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूलर में चले जाएंगे, और S8 मॉलिक्यूल है यहाँ पर। पोलर में HCl है, अमोनिया है ना, वाटर है, ये सब पोलर में चले जाएंगे। तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करेंगे तो ये सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं, है ना, ये बैड कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज तो एक बार बुक से भी देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, नाम ही बता रहा है इनका, जैसे इनका नाम मॉलिक्यूल बता रहा था, इनका नाम बता रहा है आयनिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच आयंस, अपोजिटली चार्ज आयंस आर हेल्ड टुगेदर थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे NaCl है आयनिक सॉलिड है, CsCl है आयनिक सॉलिड है ना, KCl है आयनिक सॉलिड है, तो इस तरीके से आयनिक ZnS है, AgBr है, ये सब आयनिक सॉलिड्स में आते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच अपोजिटली चार्ज आयंस आर हेल्ड टुगेदर थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनकी प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज होंगी जो आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में 11th में पढ़ी थी, यानी दे आर हार्ड ब्रिटल क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे कैन बी डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स, दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन एक्वस और इन मॉल्टन स्टेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो ये प्रॉपर्टी आप आसानी से याद कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स की। कोवेलेंट सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी उनके अंदर जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होनी चाहिए, बॉन्डिंग, कोवेलेंट, इसीलिए कोवेलेंट वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको आता है वो एक डायमंड का आता है, डायमंड, और एक आता है आपका ग्रेफाइट का। तो अब हम डायमंड और ग्रेफाइट की थोड़ी सी बात करें, डायग्राम के साथ में बात करेंगे तो आप समझेंगे कि हमने एक्सप्लेनेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी डायमंड की। डायमंड क्या होता है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। और डायमंड में क्या होता है, ईच कार्बन, इस तरीके से कार्बन हमने अरेंज किया टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज किया, तो डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे फॉर्म टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। कैसा बनाते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना लेते हैं, और ईच कार्बन इज सराउंडेड बाई
4 अदर कार्बन एटम्स, फिर ये इस तरीके से सराउंड कर जाएंगे, फिर ये इस तरीके से सराउंड कर जाएंगे, है ना, आप देखेंगे देखिए चार बन जाते हैं इस तरीके से, फिर ये सराउंड कर जाएंगे, फिर ये सराउंड कर जाएंगे, तो इस तरीके से पूरा हेक्सागन या टेट्राहेड्रल मैनर चलता रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है सिंगल बॉन्ड वाली होती है 154 पिकोमीटर की होती है डिस्टेंस। तो डायमंड क्या होता है, डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डायमंड इज द हार्डेस्ट। ये हार्ड क्यों है, ये अपने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल मैनर की वजह से हार्ड माना जाता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर बनता है उस पर फोर्स जब आप लगाएं कहीं से भी तो फोर्स साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो जितना फोर्स आप लगाते हैं उतना फोर्स उस पर लगता नहीं, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। इट इज बैड कंडक्टर, व्हाई इट इज बैड कंडक्टर, क्यों है ये बैड कंडक्टर, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं, दैट्स व्हाई इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। It is used in cutting and drilling. क्यों use होता है cutting drilling में? Because it is the hardest substance. ये hard होता है इसलिए cutting drilling में, और आँखों के जो operation जो होता है, जो आप आँखों में जो ऑपरेशन में यूज होता है उसको हम लोग डायमंड की ही यूज़ की करते हैं, तो जो कैटरेक्ट जिसे बोलते हैं कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन होता है तो उसको उसमें भी डायमंड का ही यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायमंड हार्ड इसलिए है सर्जिकल जितने भी ऑपरेशन में यूज़ होता है, तो ये इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से हो रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई डायमंड इज़ यूज इन कटिंग एंड ड्रिलिंग, है ना, ये क्वेश्चन बन जाता है व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट में अगर हम आप देख लेते हैं तो ग्रेफाइट में क्या होता है, इस तरीके से हेक्सागन कार्बन एटम्स अरेंज रहते हैं, ये ऐसे हुए, ये ऐसे हुए और ये ऐसे, ये एक लेयर ये बना दी, एक लेयर इस तरीके से ये बन गई, ये लेयर ये तैयार हो गई। अब इन दोनों लेयर ये एक दूसरे के ऊपर लेयर ऐसे करके लगी होंगी इस तरीके से, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी 340 पिकोमीटर की होगी और ये वाली 141.5 पिकोमीटर की होगी। तो होता क्या है कि इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड, कार्बन एटम्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल लेयर्स विच आर प्रेजेंट वन ओवर ईच अदर, इस तरीके से लेयर बनती चली जाएंगी जैसे सिक्कों का एक ढेर लग जाता है, बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ हो जाती है। इन दोनों के गैप, इन दोनों के बीच में वीक वैंडरवाल फोर्सेस रहते हैं, यानी गैप रह जाता है थोड़ा सा, तो गैप की वजह से होता क्या, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, अगर ये गैप है तो फोर्स स्लिप कर जाएगा ऐसे करके, जब स्लिप कर जाएगा इट मीन्स इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन नेचर। अब हर कार्बन के चारों तरफ देखो आप तीन ही बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता होगा, और एक इलेक्ट्रॉन जब फ्री रह जाएगा इट मींस इट इज़ गुड कंडक्टर, इसलिए इसको इलेक्ट्रोड में यूज़ करते हैं, है ना। इट इज़ यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट क्योंकि सॉफ्ट स्लिपरी नेचर में है, आपने देखा होगा मोटरसाइकिल है इनके जो ब्रक शू होते हैं उसके अंदर पाउडर पड़ता है, उसका नाम यही ग्रेफाइट होता है, यानी ग्रेफाइट को हम एज ए ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी नेचर। इट इज़ यूज एज एन इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक छोटा सा बचा था जिसका नाम था मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच मेटल आयंस आर प्रेजेंट। अब मेटल आयंस आर प्रेजेंट थ्रू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, यानी मेटेलिक बॉन्ड। अब आपको बताना पड़ेगा कि मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है कि जब मेटल आयंस आर मींस मेटल आयंस आर हेल्ड टुगेदर थ्रू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बाई मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मेटल के अंदर, जब वो मेटल आयन को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थ्रू रोके रखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और जितने भी मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं जैसे एल्कली मेटल्स हैं वो सॉफ्ट भी रहते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे हैव सोनोरिटी, ये सब प्रॉपर्टी होती है मेटेलिक सॉलिड्स की, इनको आप पढ़ेंगे ध्यान से। तो मैंने आज आपके सामने एक डिस्कशन किया है, इंट्रो दिया है आपको सॉलिड का, और इस वीडियो के बाद लगातार आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वॉइड्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना भी समझाएंगे। तो तब तक आप ये पढ़िए और फिर हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। नमस्कार।